आप लोगों ने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि जो हमारी पलकें हैं वो हमेशा झपकती क्यों रहती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इसके पीछे का रीजन पता भी होगा, लेकिन जिसको नहीं पता, चलिए देखते हैं। इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि ये हमारी आंखों के सुरक्षा के लिए जो हमारी आईलिड्स होती हैं वो बंद होती हैं। जैसे आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे वो एरिया बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो, वहाँ की एयर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स हों जो आपकी आंखों को इरिटेट कर रही हों और आपकी आंखों से आंसू ज़्यादा गिर रहा है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपकी पलकें जो हैं वो जल्दी 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 झपकने लग जाती हैं। और दूसरा रीज़न होता है कि हमारी आंखों के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, जिसमें से आंसू हमेशा प्रोड्यूस होता रहता है, प्रोड्यूस होके हमारी पलकों के ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो लैक्रिमल ग्लैंड की डक्ट्स होती हैं वो हमारी पलकों के ऊपर खुलती हैं, और जब पलकों के ऊपर खुलती हैं तो वो जो आंसू या लिक्विड मटेरियल जो होता है उसको पूरी आंखों में फैला दिया जाता है जब हमारी पलकें झपकती हैं। तो जैसे ही पलकें झपकती हैं हमारी आंखों की सफाई भी हो जाता है और आंसुओं को हमारी पूरी आंखों में फैला देती हैं। हमारी आंखों में जो पानी मौजूद होता है ना वो आंसू ही होता है, जिसे हम बोलते हैं बेसल टीयर। ये हमारे विजन में हेल्पफुल होता है, हमारे विजन में सहायक होता है और हमारी आंखों को नम रखने का काम करता है, तो इसीलिए हमेशा हमारी आंखों में मौजूद होता है। और अगर आप आंसू के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आंसू के टाइप्स के बारे में और मैकेनिज्म के बारे में बात कर रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो यही दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारी पलकें झपकती हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिकों की माने तो इसका रीजन कुछ और होता है। जब हमारी पलकें झपकती हैं तो हमारी आंखों को और हमारे दिमाग को थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। इस पर एक प्रॉपर शोध किया गया था जिसमें बहुत सारे लोगों पे ये रिसर्च की गई थी, तो वहाँ पे पता चला कि जब हम पलक झपकाते हैं एक मिनट में हम कम से कम 13 से 15 बार पलक झपकाते हैं। ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसे हम कभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो हमारी पलक जो झपकने वाली क्रिया होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन सामान्यतः एक मिनट में 13 से 15 बार हमारी पलकें जो होती हैं वो झपकती हैं। तो ऐसे ही अगर जो पलकें झपकती हैं मान लेते हैं उसमें 3-4 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है, तो अब 3-4 सेकेंड ही जोड़ जोड़ के अगर हम देखें तो कुछ मिनट हो जाएगा, और कुछ मिनट के लिए हमारे माइंड को और हमारी आंखों को आराम मिलता है। तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब पलकें झपकती हैं तो उस समय हमारा दिमाग थोड़ा सा आराम कर लेता है। हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है ऐच्छिक क्रिया और एक होती है अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, जिस पे हमारा कंट्रोल हो, जैसे अभी हम अपने हाथ को ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, तो ये हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, हम इधर इसको ऐसे करना चाहते हैं और इस पे मेरा पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसे हम अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं, मतलब वो हमारी बिना मर्जी से होती हैं और उस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे हार्ट हमेशा ब्लड पंप करता रहता है, उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। जो किडनी होती है वो हमेशा ब्लड प्यूरिफाई करती रहती है। जो लंग्स होते हैं वो हमेशा गैस का एक्सचेंज करते रहते हैं, इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ये हमारी बिना इच्छा की होती हैं, इसीलिए हम इसे अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारी पलकें झपकने वाली क्रिया है वो ऐच्छिक है या अनैच्छिक। ये दोनों प्रकार की हो सकती है, डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ऐच्छिक तब होती है जैसे हम कभी कभी होता है ना कि हम अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए आराम चाहते हैं, या कभी कभी हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, और जब हम योगा कर रहे होते हैं तब भी हम अपनी पलकों को झपका के आंखों को बंद कर लेते हैं। तो जब हम खुद से अपनी आंखों को बंद करें, अपनी पलकों को झपकाएं, तो वो होती है ऐच्छिक क्रिया। लेकिन सामान्यतः जब हमारी पलकें हमेशा झपक रही होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हमें आइडिया भी नहीं होता, एक मिनट में 13 से 15 बार झपक लेती हैं, जिस पे हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता, जो हम अपने मन से अपने इच्छा से नहीं करते हैं, तो वो अनैच्छिक होता है। एक प्रकार और होता है पलकों की झपकने का, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन। जैसे हमारी आंखों के सामने अगर कुछ अचानक से आ जाए, जैसे कोई कुछ फेंक के हमारी आंखों की तरफ मारे, या अचानक से कोई हमें आंखों की तरफ ऐसे उंगली करके डराए, तो क्या होता है, हमारी आंखें जो होती है, जो हमारी पलकें होती हैं, वो तुरंत आंखों को कवर कर लेती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सामने वाला इंसान एक्शन कर रहा है और जो हमारी आंखें होती हैं वो रिएक्शन के परिणाम स्वरूप अपने आप को क्लोज कर लेती हैं, जो हमारी पलकें होती हैं वो आंखों को क्लोज कर लेती हैं। तो ये तीन प्रकार से हो सकता है, ऐच्छिक हो सकता है, अनैच्छिक, और एक रिएक्शन के रूप में हमारी जो पलकें होती हैं वो आंखों को क्लोज कर लेती हैं।